गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई नेम इज महेंद्र शर्मा आई विल टीच यू बायोलॉजी इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट फूड एंड हेल्थ सो वॉट इज फूड फूड इज नेसेसरी कंपोनेंट थ्रू द फूड वी गेटिंग एनर्जी वाई एनर्जी वाई ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड और एनिमल्स रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क काम करने के लिए वर्क करने के लिए बॉडी ग्रोथ के लिए बॉडी डेवलपमेंट के लिए एंड डिफरेंट काइंड के एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए क्या चाहिए फूड चाहिए देन हमने स्टडी किया था फूड में ऐसा क्या कंपोनेंट है मीन्स हम लोग जो फूड खा रहे हैं उनमें ऐसा क्या कंपोनेंट है जो रिक्वायर्ड है तो उन फूड में कुछ सब्सटांसेज थे जिनको हमने कहा था न्यूट्रेंट्स अब ये न्यूट्रेंट्स क्या थे वो हमने डिस्कस किया था न्यूट्रेंट्स आर दो सब्सटेंट्स विच कीप अस अलाइव वो सब्सटेंस जो हमें ज़िंदा रहने के लिए कंपल्सरी है मीन्स फूड में क्या क्या था ऐसा जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है कार्बोहाइड्रेट फेट विटामस प्रोटीन्स मिनरल्स रफेज दीज आर द सब्सटेंसेस विच रिक्वायर्ड जो हमें जरूरत है जो हमें जरूरी है क्या करने के लिए वर्कआउट करने के लिए अब जो हम फूड खा रहे हैं फूड जो एटिंग हैं उसमें सारे कंपोनेंट्स इक्वली अमाउंट होने चाहिए वो भी जरूरी है इफ़ आवर फूड इज़ प्रॉपरली डाइट मेंटेन मीन्स फूड के अंदर प्रॉपर डाइट की तरह है कार्बोहाइड्रेट फेट विटाम्स मिनरल्स प्रोटीन्स सभी के सभी अमाउंट उनकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो हम कहते हैं उसको हेल्थी फूड या बैलेंस डाइट फिर हमने पढ़ा हेल्थ क्या होती है कोई भी पर्सन वो फिज़िकली फिट हो वो मेंटली फिट हो वो सोशली फिट हो तब जाके कह सकते हैं कि वो बंदा हेल्थी है तो इसके लिए क्या क्या हमने डिस्कस किया था सबसे पहले होलसम अमाउंट ऑफ फूड मीन्स एक न्यूट्रीशियस फूड को ईट करता हो मीन्स पौष्टिक खाना खाता हो दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करता हो रेगुलर एक्सरसाइज भी नेसेसरी है थर्ड रेस्ट करता हो फोर्थ ब्रीथिंग करता हो ब्रीथिंग मीन्स ये नहीं है कि ब्रीथ कर रहा है मीन्स एक प्योरीफाई गैस जैसे कहते हैं ना मॉर्निंग में घूमना चाहिए इवनिंग में घूमना चाहिए ताकि क्या करता हो एक प्योरीफाई एक प्योर गैस या फ्रेश एयर को ब्रीथ करता हो फोर्थ था क्लीन वाटर को ड्रिंक करता हो मीन्स हम लोग जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो क्लीन हो जम्स उसमें ना हो और लास्ट जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए ये हमने पढ़ा था हेल्थ के अंदर फिर हमने पढ़ा था बैलेंस डाइट क्या होता है ए डाइट विच कंटेंट ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड फ्रॉम ए बॉडी एक बॉडी को जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रिय रिक्वायर्ड होते हैं अगर वो प्रॉपर अमाउंट में हैं तो उन्हें हमने कहा हमें हमने कहा था बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट में कौन कौन से कंपोनेंट थे सबसे पहले हमने स्टडी किया था कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है एनर्जी गिविंग फूड सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है एग्जाम्पल सीरियल्स थी पल्सेस थे ये इसके एग्जाम्पल्स थे फिर हमने पढ़ा था फेट देखिए कार्बोहाइड्रेट और फेट दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है न्यूट्रिएंट्स हैं ओके जो कार्बो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी दे रहे हैं फेट भी हमें एनर्जी दे रहे हैं बट फेट जो है वो मोर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है अगर कार्बोहाइड्रेट देखें कंपेयर करें तो फेट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एग्जाम्पल्स ऑयल्स हो गया घी हो गया इसका एग्जाम्पल प्रोटीन प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करता है मीन्स कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डअप बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो प्रोटीन प्रोटीनियस फूड को ईटिंग करते हैं उसके बाद में था विटामस विटामस हमें फिट रखने के लिए ग्रोथ बढ़ाने के लिए और कह सकते हैं कि अगेंस्ट टू द जम्स या डिजीज़ के अगेंस्ट बॉडी को तैयार कौन करता है विटामिन करते हैं मिनरल्स बॉडी को फिट एंड डेवलपमेंट रखने के लिए रहता है प्रोटीन और मिनरल्स दोनों ही क्या हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से मिलते हैं एक और सेगमेंट हमने स्टडी किया था रफेस क्या होता है रफेज़ क्या होते हैं कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं रफेज सिस्टम को बनाते हैं जो क्या काम करते हैं अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स को ईजिली रिमूव करवाने में हेल्प करता है मीन्स गेट रीड आउट करवाने में हेल्प करता है इसके बाद हमने स्टडी कर रहे हैं आज एक्सरसाइज और स्लीप मीन्स बैलेंस डाइट मिल रही है बंदा हेल्थी कैसे रहेगा इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, है? सबसे पहले एक्सरसाइज अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा सबसे पहले हमारी मसल्स क्या करें गुड टोन मतलब मसल्स क्या करेंगी एक अच्छे वे में वर्कआउट करेगी सबसे पहले इंपॉर्टेंट मीन्स कंप्लीट बॉडी क्या होगी फ्लेक्सिबल होगी सेकेंड इट कीप अस बोन स्ट्रांग वो हमारी बोन्स को स्ट्रोंग रखेगा थर्ड हेल्प टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लंग्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एक्सरसाइज अगर करेंगे तो हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं जो रेस्पिरेशन का काम करती हैं हार्ट है वो क्या काम करता है वो ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं वो हार्ट से अटैच होती तो complete body है तो कंप्लीट बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करती हैं अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो सारे के सारे बॉडी के फंक्शनिंग पार्ट प्रॉपर वे में वर्क करेंगे सेकंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम अगर एक्सरसाइज की जाएगी तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यह कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम एक अच्छे वे में काम करेगा नेक्स्ट फॉर फिटनेस फिटनेस के लिए क्या करें फिटनेस के लिए ये तो है नहीं हम इंडोर गेम बैठ के खेलें उसके लिए क्या करेंगे पार्क में जाएं या फिर कहीं आउटडोर गेम्स के लिए जाएं और वहाँ पे एक्सरसाइज करें और आउटडोर गेम खेलते हैं तो फिटनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बनी रहे फिटनेस बनी रहती है तो दीज आर द फ्यू टर्म्स विच रिलेटेड टू तो द एक्सरसाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए मसल्स वर्क करेंगी हार्ट वर्क करेगा लंग्स वर्क करेंगे और ये कह है सकते हैं कि अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हम डिजीज़ फ्री रह सकते हैं सेकेंड है स्लिप एक्सरसाइज कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है स्लिप अब क्या होता है कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लिप नहीं करते तो भी क्या होता है हम लोग इरिटेट फील करने लगते हैं हमारे वर्किंग पे हम लोग पूरा फोकस नहीं कर पाते इसलिए क्या है स्लिप भी क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है सबसे पहले अगर स्लिप कर रहे हैं तो बॉडी रिकवर फ्रॉम द वर्क कंप्लीट डे के हैक्टिक शेड्यूल में जब काम करता है कोई भी पर्सन तो बॉडी थक जाती है तो उसको रिकवर करने के लिए क्या करना है वो स्लिप करते हैं तो बॉडी क्या करती है रिकवर करती है वर्क से और उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है सेकेंड रेगुलर स्लिप जब नाइट में हम लोग सोते हैं क्यों सोते हैं ताकि बॉडी को रिलैक्स मिले मसल्स को रिलैक्स मिले हार्ट बीट्स रिलैक्स रहें ब्रीथिंग रेट थोड़ी स्लो हो जाती है जो क्या काम करती है ये कह सकते हैं कि बॉडी को एक रिलैक्स प्रोवाइड करवाने का काम करती है साथ ही साथ क्या होगा ये भी होगा जब बॉडी कंप्लीट रिलैक्स हो रही है तो हमारी बॉडी नेक्स्ट डे जब हम लोग वर्क के लिए जाते हैं हम लोग क्या करते हैं फ्रेश फील करते हैं अगर बंदा फ्रेश फील करेगा इट मीन्स वो अपने वर्किंग पे प्रॉपर फोकस कर पाएगा तो नेक्स्ट हमारा था आफ्टर ए गुड स्लीप वी फील फ्रेश हम लोग फ्रेश फील करेंगे और उससे क्या बेनिफिट होगा टू तो एबल द वर्क अगेन जो काम हम कर रहे हैं उसको एक बार फिर हम लोग काम को करने के लिए रेडी रहते हैं दिस तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड स्लीप। नाउ फूड कंप्लीट हो गया हेल्थ हो गया एक्सरसाइज और स्लिप हेल्थी रहने के लिए इम्पोर्टेंट है सेकेंड सेकेंड बार्ट पढ़ते हैं वॉट इज डिजीज फूड और हेल्थी रहने का डिजीज़ क्या होती है देखिए जब भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर रहा तो क्या होता है बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट होती है कह सकते हैं डिजीज ओके रहती है इंटरेपशन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी जब बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रही तो वो क्या होता है डिजीज़ हो जाती है। हैं बहुत सारी डिजीज़ हैं फर्स्ट हमने रखा है हार्ट अटैक हो सकता है सेकंड किडनी फेलियर हो सकता है हार्ट अटैक और किडनी फेलियर एक पर्टिकुलर ऑर्गन की वजह से रिस्पॉन्सिबल है ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गन हैं जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं डिफरेंट काइंड की डिजीज़ ओक्र हो सकती हैं बट कुछ ऐसी डिजीज भी हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स मीन्स विटामिन्स और मिनरल्स की लैक ऑफ से भी क्रिएट हो सकती हैं कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स विटामिन और मिनरल की लैक ऑफ से जो डिजीज होती है उनको बोलते हैं हम डेफिसियंसी डिजीज मीन्स बॉडी के अंदर विटामिन्स की या फिर मिनरल्स की लैक ऑफ हो रही है अब लैक ऑफ का मतलब ये है कि कमी हो रही है कई बार एक्सेस होने से भी क्या होता है डिजीज़ ओक्यूर हो जाती है तो विटामस और मिनरल में ऐसी कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स आ रहे हैं कुछ विटामिन्स हैं, विटामिन A, विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी फिर हमने रखा है यहाँ पे कैल्शियम आयोडीन और आयरन एक ग्रुप पैकेज बनाया विटामिनस और मिनरल्स का कौन कौन सी डिजीज होती है चेक करते हैं फर्स्ट विटामिन एन से कौन सा डिसऑर्डर होता है लूज़ ऑफ विजन मीन्स आइस की ये कह सकते हैं कि विजन और पावर धीरे धीरे लेस हो जाती है ख़त्म होने लगती है इफेक्ट देखिए क्या होता है सिम्टम्स पुअर विजन कम दिखाई देना और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डार्कनेस मीन्स नाइट के अंदर लैक ऑफ विजन मीन्स नहीं देख पाता अगर वो बंदा लॉस ऑफ विजन से डिफेक्टिव है या विटामिन ए की लैक ऑफ उसकी बॉडी में आ रही है ये कह सकते हैं कि नाइट में वो देख नहीं पाता सेकेंड विटामिन बी विटामिन बी से डिज़ीज़ कौन सी होगी बेरी बेरी इसके अंदर क्या होता है मसल्स वीक हो जाती हैं और लेस एनर्जी टू वर्क काफ़ी कम एनर्जी रह जाती है बॉडी को वर्क करने के लिए मतलब कि कमज़ोरी फील करते हैं थर्ड विटामिन सी विटामिन सी में क्या होता है स्कर्वी डिजीज़ स्कर्वी क्या होता है तीत जहाँ सेट होते हैं गम्स वहाँ से ब्लीडिंग निकलनी हो जाती है मतलब कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है वो होता है हमारा विटामिन सी की वजह से विटामिन डी क्या करेगा विटामिन डी से जो सिम्टम डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स रिकेट्स में क्या होता है बोन्स बिकम वीक सॉफ्ट बोन्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं एंड बैंड बैंड होने लग जाती है नीज की साइड से तो विटामिन डी में क्या होता है बोन्स सॉफ्ट होती हैं और बैंड होना शुरू हो जाती हैं फिर है कैल्शियम सभी को बताए कैल्शियम किसके लिए इंपॉर्टेंट है कैल्शियम बॉन्स और तीत के लिए इम्पोर्टेंट है तो अगर कैल्शियम की लैक ऑफ होगी तो क्या होगा बॉन्स और तीत दोनों क्या होंगे डिके मतलब कि डैमेज होना शुरू हो जाएंगे या कह सकते हो वीक होना शुरू हो जाएंगे वीक बॉन्स बॉन्स बौ, वीक होने लग जाएगी एंड तीत डिके तीत भी क्या होने लग जाएंगे धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएंगे किसकी लैक ऑफ से कैल्शियम की लैक ऑफ से फिर है आयोडीन आयोडीन वजह से डिसऑर्डर होता है गोयट्री डिजीज अब गोयटी क्या होता है देखिए हमारे यहाँ थायराइड ग्लैंड होती है तो ये वाला पोर्शन क्या करने लग जाता है स्वेलो करने लग जाता है मीन्स नेक रीजन स्वेलो करने लग जाता है वो क्या होता है गोयट्री डिजीज लैक ऑफ आयोडीन की वजह से होता है और जो चिल्ड्रंस हैं उनमें मेंटल डिसएबिलिटी प्रेजेंस होने लगती है इसकी वजह से लास्ट है हमारा आयरन आयरन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आयरन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड से रिलेटेड है कौन सी डिजीज़ होती है डिसऑर्डर एनीमिया होता है और बॉडी कंप्लीट वीकनेस फील करने लग जाती है तो कुछ ये विटामिस्स और मिनरल्स की लैक ऑफ से होने वाली डिजीज थी हमने क्या स्टडी किया रिपीट करते हैं सबसे सब पहले हमने स्टडी किया एक्सरसाइज क्या होती है एक्सरसाइज हेल्प करता है बॉडी वर्क को अच्छा करने के लिए मीन मसल्स को गुड टोन में रखने के लिए बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए फंक्शनिंग ऑफ लंग्स हार्ट ब्लड वेसल्स को प्रॉपर वे में काम करने के लिए और साथ ही साथ क्या था ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अच्छी सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए हमें आउटडोर गेम्स प्ले करने चाहिए फिर था स्लिप कंप्लीट डे के हेक्टेल शेड्यूल में वर्क करने के बाद बॉडी ये कह सकते हैं टायर्ड हो जाती है थक जाती है तो क्या करना चाहिए रिलैक्स करने के लिए क्या करें स्लिप्स सोना चाहिए बॉडी रिकवर होगी किस लिए बॉडी रिकवर तब होगी जब हम लोग प्रॉपर स्लिप करेंगे क्या क्या होगा मसल्स रिलैक्स करने लग जाएंगी हमारी हार्ट बीट स्लो डाउन होगी ब्रीथिंग रेट स्लो होगी और बॉडी कंप्लीट डे के एक्टिव शेड्यूल में जो वर्क किया है जो एनर्जी कंज्यूम की है उसको रिकवर करती है और नेक्स्ट डे जब हम लोग एकदम फ्रेश वापस हम लोग वर्क के लिए तैयार हो सकते हैं तो वो था हमारा स्लिप की वजह से आफ्टरवर्ड्स डिजीज़ क्या होता है बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स का इंटरप्शन या फंक्शनिंग करना कम हो जाता है वो क्या होता है डिजीज़ इंटरप्शन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करना बंद कर देती है काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं इसके हार्ट अटैक लिखा हमने यहाँ पे किडनी फेलियर लिखा है जो क्या करती हैं बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का मेल फंक्शनिंग बता रहा है मीन्स जो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहा कुछ डिजीज ऐसे भी होती हैं जो विटामिन और मिनरल की लैक ऑफ से होती हैं उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी हैं विटामिन ए विटामिन ए का डिसऑर्डर क्या होता है लूज ऑफ विजन मींस वो पर्सन जो विटामिन जिसमें बॉडी में विटामिन ए की लैक ऑफ होगी वो लूज ऑफ विज़न उसमें होता है क्या होता है इसमें वो पर्सन नाइट ब्लाइंडनेस या फिर नाइट में देख नहीं पाता या कम देख पाता है विटामिन बी बैरी बैरी बॉन्स वीक हो जाती है और बॉडी में एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन होने लगता है विटामिन blood, सी स्कर्वी डिजीज़ ब्लड ब्लडिंग जम्स मीन्स तीथ से क्या होने ब्लडिंग जम्स मीन्स ब्लड निकलने लग जाता है विटामिन डी रिकेट्स बोन्स क्या हो जाती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं और बैंड होने लग जाती हैं कैल्शियम बॉन्स एंड तीथ दोनों क्या होते हैं वीक होने शुरू हो जाते हैं तीथ दिखे होना शुरू हो जाता है आयोडीन आयोडीन की लैक ऑफ से गोइट्री डिजीज होती है क्या होता है जो नेक रीजन है थायराइड ग्लैंड वहां पे स्वेलिंग पोर्शन शुरू हो जाता है और चिल्ड्रंस में क्या होता है मेंटल एबिलिटी देखने को मिलती है आयरन ब्लड के अंदर अगर आयरन नहीं होगा मीन्स बॉडी में आयरन की लैक ऑफ होगी तो एनीमिया होगा एनीमिया से क्या होगा ब्लड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी ये कह सकते हैं कंप्लीट फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी और बॉडी वीक फील करेगी इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज स्लिप के बारे में डिजीज के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ के बारे में मीन्स टू टाइप्स की डिजीज़ है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू